हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं कहाँ से वीडियो शुरू कर रही हूँ, आज मैं ये वाला वीडियो ना पहली बार दिखा रही हूँ अपने चैनल पे। तो मैं यहाँ पे मैं गेहूँ को साफ़ कर रही थी, जैसे कि आटा पिसाने के लिए मशीन पे देना था, तो मैं गेहूँ को साफ कर रही थी। ऐसा वीडियो मैंने नहीं दिखाई थी कभी। अब मैं सोचती हूँ कि घर उर का काम रहता है, तो ये तो घर का काम रहता है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाई हूँ। आज मेरा मतलब मैं कर रही थी ना इसे, तो फोन साथ में ही था, तो मैं सोची थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं गेहूँ के साफ़ कर रही हूँ। ये वाला जो मेरे पीछे देख रहा है ना, ये देखिए, ये तो गेट हो गया। ये वाला दीवार भी, प्लास्टर भी, बहुत घर का काम भी सब भी होना बाकी है। तो यहाँ पे ये बस यही सब चलता है। रात को बारिश भी हुआ था, रात में नहीं हुआ था, सुबह में हुआ था 5 बजे, तो 5 बजे बारिश हुआ था, तो इसलिए ऐसा गीला गीला सब कुछ दिख रहा है। और ये जो दिख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये चूल्हा मैं नया बनाई हूँ, तो ये इसी चूल्हा पर खाना बनेगा। और ये जो आंगन में चूल्हा पहले था, वहाँ का मैं तोड़ दूँगी, और ये वाला नया बनाई हूँ। तो अभी ये बनाई हूँ, कल ही बनाई थी, तो सूखा नहीं है, तो यहाँ पर गीला गीला सा लग रहा है। तो ये सूख जाएगा ना, तो हम इस पर अब खाना बनाएंगे, उसके बाद हम गेहूँ को साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए, और उसके बाद ये शाम का टाइम हो चुका था ना, 4 बज रहा होगा शायद, 4 बज रहा होगा। तो शाम के टाइम में ना थोड़ा काम भी बहुत रहता है, तो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये खुश हो गई, हेलो काम, यहाँ पे देखिए सबको क्या कर रहा है बेटू, उतर जा। देखिए अभी ना शाम के टाइम हो चुका है, बिल्कुल शाम अजान भी हो गया है, करीब 6:30 का टाइम हो रहा है, 6:30 बजे बिल्कुल अंधेरा होने। बैठू, ऐसे नहीं करो बैठू, खुशबू इधर आना, इधर इधर इधर, और लाइट में नहीं दिखाया, दिख रहा है, इधर हाय करो, ले ले मैं कपड़ा लेने आई हूँ, कपड़ा ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं अभी अभी नाइटी चेंज की हूँ, क्योंकि ये जो मानसी जो है ना, इतना लेटिंग करती है और मुझे तो परेशान कर रख दी है, क्योंकि हमेशा उसको डायपर पहना के भी नहीं रख सकते हैं ना, तो डायपर अगर पहन, तो यहाँ पे या इस पर देखिए उसको सब गुस्सा दिला रहे हैं। हाँ, तो मैं यही बता रही थी, इसको डायपर पहना के नहीं रख सकते, इतना लेटिंग करी है, पूरे घर आंगन थोड़ा थोड़ा पूरे मतलब लगा दी थी करके। मैं इसको अचानक से गोदी ले ली और मेरे कपड़े में भी पूरे लगा दी। तो मैं नाइटी को चेंज की हूँ, अच्छे से धोई हूँ हाथ पैर सबको, और नहाने की सोच रही थी, लेकिन शाम हो चुका था ना, तो मैं शाम की सोची कि आप नहीं नहाती तो ख़राब हो जाएगा मानसी का, इस वजह से तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है अच्छा से। चलिए नीचे चलते हैं, कपड़ा ले लेते हैं। ये देखिए आयुष, बहुत पीटेगा बेटा तू, एक बार देखिए मानसी को, देखिए मानसी को, देखिए क्या कहाँ से आ गया, देखिए 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 देखिए, पूरा सीढ़ी चढ़ के आई है, पूरा सीढ़ी चढ़ गई अपने से। चल बेटा चल, बीच में चल, बीच में चल, आजा, चल 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 चल, जहाँ हम रहेंगे तहाँ हमारा ये सब रहेगा। ये देखिए आ गई है, बाय बाय करो बेटा, बाबा का दू, बाय 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 बाय, देखिए बाबा, उसके बाद यहाँ छत पर से आने के बाद आज हम लोग का बाजार था, तो वहीं से सब्जी उब्जी आया था, तो मैं सब्जी को निकाल रही थी झोला में से। तो हम लोग यहाँ ना हफ्ता में 2 हाट लगता है, मतलब एक ही लगता है मंडी, सब्जी मंडी बोलिए हाट बोलिए, गांव में तो हाटे बोलता है, जहाँ पे सब्जी सब जो मिलता है उसको हाट बोलते हैं, तो वही हाट था। तो मैं पूरे हरा सब्जी को अलग अलग करके सब सब्जी को मैं अलग अलग रख देती हूँ निकाल के। और अभी ना सब्जी सब सूखता भी बहुत है, ऐसे हवा, ये गर्मी का मौसम है ना, हवा भी चलता है, तो सब्जी सब सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो हमारे घर में अभी फ्रिज नहीं है, लेकिन कोशिश है कि बहुत जल्दी फ्रिज हो जाएगा, तो इस वजह से तो सब्जी सब ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और मैंने अभी टमाटर मंगाना बंद कर दिया है सब्जी में, क्योंकि टमाटर से ना सब्जी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर सुबह में हमारे घर में 8 बजे खाना बन जाता है, अगर 8 बजे हम खाना बना के रख देंगे, तो वो 2-3 बजते होते ना पूरे एकदम खट्टा हो जाता है खाना, मतलब ख़राब हो जाता है।
तो टमाटर अगर ज़्यादा स्पेशल कुछ बनाते हैं छोले वगैरह या कुछ ऐसा तभी हम टमाटर मंगाते, नहीं तो ऐसे डेली यूज में अभी गर्मी में टमाटर नहीं खाएंगे। चुमा देता मुझे मम्मी को चुमा देता हमारी प्यारी बेटी, नहीं 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 प्यारी बेटी। उसके बाद इमानसी को देखिए, उसके बाद हमें आ गए थे खाना बनाने। तो ये देखिए हमने लौकी को कट करके रख लिया है, मिर्चा प्याज, और ये हम लौकी को बनाएंगे आज। तो हमें तेल लिया, इसमें जीरा डाल दिया है, उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी हूँ दो तीन, और हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज भी डाल देती हूँ, और इसमें ना बहुत ही सिंपल तरीका से बनाऊँगी, ज़्यादा ना इसमें कुछ मसाला है ना कुछ भी नहीं इसमें डाली हूँ, फिर भी इसका टेस्ट अपना आप में बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो को रेसिपी को देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने ये प्याज को भून के उसके बाद मैं ये लौकी खूब पतला पतला से काटी हूँ, जैसे दराज होता है ना हाँसू उस पर मैंने काटी थी। और यहाँ पे देखिए ये गल गया है, बहुत जल्दी बन जाता है, ये एकदम ताज़ा था ना, आज ही बाज़ार से लाए हैं, आज ही मैं ताज़ा को बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी सीज जाता है, गल जाता है, अच्छा भी लगता है। तो हम इसमें सिर्फ नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे, नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसी से इसका स्वाद एकदम बहुत अच्छा निकलेगा। और ये देखिए इस पे हम इसको गलने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तो बन के तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी जब तक रोटी वोटी सब बनता ही था करेंगे तब तक ये बन जाता है। मैं चढ़ा के उसके बाद चाय बनाई थी, आटा गूंथी थी, आटा रोटी वोटी ये सब अपना एक साइड ये पकता रहता है, एक साइड ये सब बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भुजिया बोलिए, सब्जी बोलिए, क्योंकि इसमें मसाला तो है नहीं तो ये भुजिया ही कहेंगे। तो ये आज का डिनर, ये इसका भुजिया और रोटी खाना मैं बनाई थी। उसके बाद मैं खाना दे दी हूँ सबको, ससुर जी को, सास को, और मैं उसके लिए प्याज कट कर रही थी, कोई प्याज मांगी थी शायद कि प्याज दे दो, तो मैं प्याज कट रही थी। तो अगर मैं रोटी के साथ ना प्याज ऊपर से थोड़ा सा नमक मिला के रोटी के साथ, मतलब सब्जी भी रहता है साथ में। उसके बाद मैं आयुष को दे दी हूँ, आयुष अपना मोबाइल तो आयुष के हाथ में ही था, तो ये देखिए वो अपना दादी को दे दिया है, और उसके बाद दादा को दे दिया, उसके बाद ये देखिए गिर जो रहा है घुमा घुमा के, मतलब नींद में है पूरे, ये पूरे नींद में। मैं इसको पढ़ा रही थी ना तो ये पूरे मतलब नींद में झुक झुक रहा था, आयुष को नींद आ रहा है, तो ये यही पे गिर जाएगा, ये देखिए यही पे सो गया। हम इसको अब घर में उठा के रखेंगे, मतलब बिस्तर पे लिटा देंगे। मानसी, और ये मानसी को देखिए, तू पढ़ाई कर रही है। तो चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बाय फ्रेंड, हम मानसी अब खाना खाएंगे, हम लोग 9 बज रहा था।